हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस के बारे में, जिसे हम पॉपुलरली राजधानी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं और ये बेंगलोर से दिल्ली के बीच में रन करता है। तो ये ट्रेन काफ़ी एक्सपेंसिव है और बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो इसको अफोर्ड कर पाते हैं। तो मैं आज आपको इसका रीज़न बताऊंगी कि आखिर ये ट्रेन एक्सपेंसिव क्यों है। तो पहला रीज़न तो ये है कि चाहे आप बेंगलोर से दिल्ली के बीच में किसी भी स्टेशन पे आप अपना जर्नी स्टार्ट करें, लेकिन आपको इंटायर जर्नी का टिकट लेना पड़ेगा। फर्स्ट रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न ये है कि उस ट्रेन में आपको अपने घर जैसा कंफर्टेबिलिटी मिलता है। और तीसरा रीज़न है क्लीनलीनेस। तो ये तीन रीज़न ऐसे हैं राजधानी एक्सप्रेस के, जिसके कारण राजधानी एक्सप्रेस इंडिया का बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रेन माना जाता है और ये एक लग्जीरियस ट्रेन भी है। तो आज मैं आपको राजधानी एक्सप्रेस के बारे में कुछ बताऊंगी। तो ये है राजधानी एक्सप्रेस, जो कि बहुत ही फास्टेस्ट एक्सप्रेस है बिटवीन बेंगलोर टू दिल्ली। आज हम AC 2 में ट्रेवल करेंगे इस ट्रेन में, और कोशिश करूँगी मैं कि आपको यहाँ का इंटायर जर्नी दिखा पाऊँ। सेकेंड AC कंपार्टमेंट, जिसमें थ्रू आउट द कंपार्टमेंट कर्टेन लगा हुआ है और आप क्लीन तो देख ही सकते हैं कि ये कंपार्टमेंट कितना क्लीन है। ऐसा नहीं है कि जब हम इंटर करते हैं इस ट्रेन में सिर्फ तभी ये कंपार्टमेंट इतना क्लीन होता है, बल्कि थ्रू आउट द जर्नी स्टाफ्स इसको ऐसे ही मेंटेन रखते हैं। अगर थोड़ा सा भी गंदा हो जाए तो वो लोग आके इसको क्लीन करके जाते हैं। और ये है बेड जो हर एक पैसेंजर को मिलता है। ये हमारा यमी और टेस्टी सा डिनर है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिनर है ये। राजधानी एक्सप्रेस में आप बोथ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड ऑर्डर कर सकते हैं, और दोनों ही फूड काफ़ी अच्छा होता है। सुबह के 6 बजे हैं और हमारा टी विथ द स्नैक्स, आप देख सकते हैं इसमें बिस्किट्स भी है, हमारे बेड पे आ गया है। तो सुबह सुबह हमें और क्या चाहिए, बिस्किट के साथ टी मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। और 7 बजे तक में हमें ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है, आप देख ही सकते हैं कि ब्रेकफास्ट मेरे सामने है। इसे अनपैक करके देखेंगे कि ब्रेकफास्ट के बॉक्स में क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। ये रहा वेजिटेबल्स और 2 ब्रेड। मॉर्निंग टी तो मिलता ही है, ब्रेकफास्ट के साथ भी हमें टी विथ बिस्किट सर्व किया जाता है, और ये ब्रेकफास्ट भी काफ़ी टेस्टी है। ब्रेड के साथ बटर भी होता है।
आफ्टरनून के 12 बज गए हैं और हमारा लंच भी आ गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि लंच मेरे सामने में है और क्या क्या है लंच बॉक्स में वो आप देख ही पा रहे हैं। काफ़ी कुछ है लंच बॉक्स में और लंच बॉक्स भी अच्छा है, अच्छे से पैक किया गया है और फूड भी टेस्टी है। तो लंच में भी आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन फूड ऑर्डर कर सकते हैं और आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन फूड ऑर्डर कर सकते हैं। बाहर से आ गए ट्रेन खुली है। हर एक सीट पर इस तरीके से सॉकेट लगा रहता है मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो आपको मोबाइल चार्ज करने का भी फिक्र नहीं है। आप आराम से ट्रेन में बैठ के भी मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। जर्नी करते हुए हम पहुँचे ऑरेंज सिटी नागपुर, जो कि हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन है। तो हमारा साथ इस वीडियो में यहीं तक का था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।